परम पूजनीय संत श्री आसाराम बापू जी को प्रणाम। हरिओम। मैं HS भुट्टो खान अलीगढ़ से समाचार एक्सप्रेस से पत्रकार हूँ। मैं आसाराम बापू जी को पिछले 15 सालों से जानता हूँ। इनका जीवन एक पवित्र पाक संत का जीवन है, जो हमेशा सबकी भलाई ही चाहते हैं, सबकी भलाई सोचते हैं। एक झूठे षड्यंत्र के तहत ईसाई मिशनरी के द्वारा एक ऐसा षड्यंत्र बनाया गया जिसमें बापूजी को फंसाकर जोधपुर जेल में रखा गया। केस चलने के बाद में जोधपुर कोर्ट ने मीडिया के दबाव में आकर आसाराम बापूजी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये केवल मीडिया का ही दबाव था। मीडिया 25 तारीख से पहले ही बताने लगी थी कि आसाराम बापू को होगी आजीवन सज़ा। तो मीडिया ने ये भ्रम फैला रखा है आज भी कि आसाराम बापू के आश्रम बंद हो रहे हैं। मेरी नज़र में 450 के करीब आश्रम हैं। मैं अधिकतर आश्रमों में जाकर देख चुका हूं कि आसाराम बापू के आश्रमों में दैवी कार्य चलते हैं। वो आज भी निरंतर ज्यों के त्यों चल रहे हैं। मैं 15 साल से बापू जी के संपर्क में हूं और मैं जानता हूं कि हमारा देश साधु संत पीर फकीरों का देश है। जिस देश में आसाराम बापू जैसे औलिया संत फकीर हैं, तो और वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी प्रेम से रहते हैं। और बापू जी भी चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बापू चाहते सबकी भलाई। हमारी श्रद्धा यकीन आज भी आसाराम बापू के प्रति कायम है। मुझे फ़ख्र है कि मैं आसाराम बापू जी का मुरीद हूँ। आसाराम बापू निर्दोष हैं, निर्दोष होकर हमारे बीच आएंगे। सत्य की हमेशा जीत होती है। आसाराम बापू जी तो एक समता के ऐसे सिंहासन पर विराजमान हैं जिसके हम बयान नहीं कर सकते। आसाराम बापू की गाथा युग युगों तक गाई जाएगी। और आई सपोर्ट माई बापू जी। मैं कृष्ण कुमार, मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू होते हुए भी पहले हिंदू धर्म का पालन नहीं करता था, लेकिन 2013 में पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी से दीक्षा लेने के बाद अपना सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि बापू जी ने हमें भगवान का नाम का जप करना सिखाया। पहले मैं दीक्षा लेने से पहले मैं शराब सिगरेट सिनेमाबाज ये सब भी करता था, लेकिन बापू जी से दीक्षा लेने के बाद ये सब अपने आप छूट गया और हम भगवान का नाम और समाज की सेवा में लग गए, जो बापू जी द्वारा चलाया जाता है। बापू जी द्वारा गौ माता की सेवा की जाती है, हजारों गायों की सेवा की जाती है, वो सेवा हम करते हैं। भारतीय सनातन धर्म का जो नाश हो रहा है उसकी संस्कृति की रक्षा के लिए, जैसे 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है, उस दिन बापू जी ने मातृ पितृ पूजन दिवस चलाया, एक अच्छा समाज के लिए था, सेवा भी हम लोगों ने किया और बापू जी के बताए रास्ता पे आगे और भी उनके द्वारा जो सेवा होती है वो सेवा भी हम लोग करते हैं। इससे बापू जी के बारे में मुख्य रहता है ये से जो है, ये जो जो धर्म की सेवा करते हैं या संस्कृति की रक्षा करते हैं उसमें लक्षण लगता है। जो अधर्मी लोग हैं कि हमारा देश गुलाम ना हो, इसके लिए बापू जी ने धर्म की रक्षा के लिए आगे आए। इसलिए जिसको ईसाई धर्मांतरण करने वाले, जो हिंदू को ईसाई बनाया जाता है, उन लोगों को बापू जी ने फिर से, जो हिंदू ईसाई बन गए थे उनको फिर से अपना धर्म में वापसी लाए। इससे जो धर्मांतरण कर रहे थे उनको खटकी और उन्होंने बापू के शरीर के तहत फंसाना वहीं से स्टार्ट किया। बापू जी ने तो सिर्फ सनातन धर्म की रक्षा की है। और केस जो फैसला जो आया है उम्र कैद का, वो अभी निचला कोर्ट है। निचला कोर्ट मीडिया के दबाव में या किसी पार्टी के किसी के दबाव में फैसला सुनाया है, लेकिन अभी भी ऊपरी का कोर्ट बाकी है और हमको ऊपर के कोर्ट पे पूरा विश्वास है कि बापू जी निर्दोष बाहर आएंगे। धन्यवाद।